और यही होता रहा है मिलॉर्ड, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या चल, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम आपके लेके आए हैं जी एक मूवी, उसमें है जी सनी देओल साहब और उस मूवी का नाम है जी दामिनी। उस मूवी का नाम है और उस मूवी का डायलॉग उस्मान भाई हमें सुना के दिखाएंगे। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जय साहब इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ तारीख, तारीख। चलते जी हम रिएक्शन की तरफ और चलते जी हम रिएक्शन की तरफ और करते जी अपनी मूवी स्टार्ट, मतलब मूवी का क्लिप स्टार्ट। इंतजार की हद हो गई, अब तो अगली तारीख दे ही दी जाए। मिलॉर्ड, तारीख देने से पहले मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा। इजाजत है। पहली तारीख में यह कहा गया कि दामिनी पागल है, उसे पागलखाने भेज दिया जहां उसे पागल बनाने की पूरी कोशिश की गई। दूसरी तारीख से पहले अस्पताल में पड़ी उर्मी का खून कर दिया गया और केस बना खुदकुशी का, जबकि इस अदालत में मैंने ये साबित कर दिया कि उर्मी ने खुदकुशी नहीं की, उसका खून हुआ है। और शेखर भी उस दिन सारे सच कहने ही वाला था कि चड्डा साहब ने फिर से अपनी चाल चल दी, बीमारी का नाटक करके तारीख ले ली, नहीं तो उसी दिन मिलॉर्ड इस केस का फैसला हो जाता। और आज आप फिर से तारीख दे रहे हैं। उस तारीख से पहले सड़क पर कोई ट्रक मुझे मार कर चला जाएगा और केस बनेगा रोड एक्सीडेंट का, आप फिर से तारीख दे देंगे। और उस तारीख से पहले दामिनी को पागल बनाकर पागल खाने में फेंक दिया जाएगा, और इस तरह ना तो कोई सच्चाई के लिए लड़ने वाला रहेगा, ना ही इंसाफ मांगने वाला, रह जाएगी तो सिर्फ तारीख। और यही होता रहा है मिलॉर्ड, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख। कानून के दलालों ने तारीख को इंसाफ के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है मिलॉर्ड। दो तारीखों के बीच अदालत के बाहर ये कानून का धंधा करते हैं, धंधा, जहां गवाह तोड़े जाते हैं, खरीदे जाते हैं, मारे जाते हैं, और रह जाती है सिर्फ तारीख। लोग इंसाफ के लिए अपनी जमीन जायदाद बेचकर केस लड़ते हैं और ले जाते हैं तो सिर्फ तारीख। औरतों ने अपने गहने जेवर यहां तक कि मंगलसूत्र तक बेचे हैं इंसाफ के लिए, और उन्हें भी मिली है तो सिर्फ तारीख। महीनों सालों चक्कर काटते काटते इस अदालत के कई फरियादी खुद बन जाते हैं तारीख, और उन्हें भी मिलती है तो सिर्फ तारीख। ये केस पूरे हिंदुस्तान के कमजोर और सताए हुए लोगों का है। आज उन सब की नजरें आप पर गढ़ी हैं, आप पर, कि आप उन्हें क्या देते हैं, इंसाफ या तारीख। अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए ये तमाशा, उखाड़ फेंकिए इनके घरों को, फाड़ दीजिए, जला दीजिए इन कानून की किताबों को, ताकि इंसाफ के ऐसे चक्कर में और लोग तबाह ना हो, बर्बाद ना हो। क्या बात, वाकई क्लैप बनता है, वेरी गुड, मिस्टर चड्डा साहब। ये हो क्या रहा है, ये कोर्ट की तौहीन है, इट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मैं कहता हूं कि इसे सजा दीजिए, अभी फौरन इसे सजा दीजिए। ऑर्डर ऑर्डर, मिस्टर चड्डा, किसे सजा देनी चाहिए और किसे नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। ऑर्डर ऑर्डर, जब तक ये अदालत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती, बर्खास्त नहीं होगी। बहुत जबरदस्त जी, बहुत जबरदस्त। मैं कहता हूँ 1990s में थी और बहुत हिट हुई थी ये मूवी, बहुत हिट हुई थी, और समझ लें कि ये सदाबहार डायलॉग है, सदाबहार डायलॉग है, अब तक चल रहा है, पता नहीं कब तक चलता है, कब तक चलते रहे डायलॉग। ये मूवी बहुत जबरदस्त मूवी थी। मैं ये मेरा भी हाथ 5 किलो है, 5 किलो का हाथ, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख नहीं दूंगा मैं, मिलेगा तो सिर्फ तारीख, जज साहब हमारे कोर्ट में होगा जी, सिर्फ इंसाफ। सही बात है, सही है।
बाकी जी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। उस्मान भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज। हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।